मौके की खासियत है कि देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। जीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद मुदस्सिर फैमिली ऑबर्स यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं, जो कि मैं आपको टॉर्टाइस बताना जा रहा था। ये मेरा रेड ईयर स्लाइडर नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया था, गलती थी, मैं रेड ईयर स्लाइडर समझ के ही लिया था। पता क्या था, रेड ईयर स्लाइडर में उसके ईयर्स और आइस के ऊपर रेड रेड होता है, वही ले लिया। ये पर इंडियन रूफ टर्टल है। वैसे भी जब मैं इसे लाया था तो उसको स्किन इन्फेक्शन भी था, मैंने इसका ट्रीटमेंट भी किया। वैसे भी अब ये मेरे पास हैंडल करने लगा इसे, और ये मुझे पहचानने भी लगा इतना से देखा जाए तो इंडियन रूफ टर्टल जो है वो इनलीगल भी हैं। मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें एक सॉन्ग लगा था, उस पर मैंने उसको रेड ईयर स्लाइडर बताया था। सॉरी, मैं इसके लिए आपको माफ़ी मांगता हूँ। इनलीगल है, आप अपने ऊपर पालिए, किसी का इल्ज़ाम मत लगाइए। वैसे भी टर्टल ख़त्म हो रहे हैं, उन्हें बचाना चाहिए। और इसे मैं इतनी सेफ्टी देता हूँ, उतना तो मुझे अपनी सेफ्टी नहीं लग मतलब दे पाता, अपने ऊपर भी उतनी मतलब वो नहीं कर पाता कि क्या है। मैंने इसके लिए आज मैं ये बल्ब बदला हूँ जो आपकी देख रहे हैं, नहीं तो पहले मैं उसको जो 10 रुपये वाला हार्ड आता है जो 100 वाट का, वो लगाता ताकि पानी गर्म रहे। इसको इस टर्टल स्टैंड आता है, टर्टल स्टैंड नीचे मैं पत्थर लगाया ताकि चढ़ने में आसानी रहे। इसे मैं धूप दिखाता हूँ, इसे मैं अपने नहलाता भी हूँ। कौन नहलाता है, लोग पालते हैं, मैंने बहुत देखा है। लेकिन हाँ, बहुत से लोग पालते हैं और वो उसे उतना ही प्यार देते हैं जितने अपनी फैमिली को देते हैं। तो अपनी फैमिली जितना, अगर आप किसी को पाल रहे हैं तो अपनी फैमिली जितना उसको प्यार दीजिए, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मैं आज ही इसको धूप दिखाया था। आज ही इसके सबसे बैड हैवी बताऊँ तो जब मैं अपने हाथ उठाता हूँ तब ये टॉयलेट कर देता। तो ये सबसे सी ख़राब बात है जो कि मतलब मेरे ही हाथ में ज़रूरी इसका रहता है करना। और यही बताना चाह रहा था। और ये आप मेरा पूरा वो देखिए सेटअप, मैंने ये पूरी अलमारी बनवा ली और बीच में मैंने बुक भी रख दिया है, थोड़ा सा उसे हटाना है, सब कुछ सही करना है। और ये देख रहे होंगे मेरी बर्ड्स के नेस्ट में तैयार कर रहा हूँ, तो 10 मार्च को ये लग जाएंगे। ये मेरा फिश सेटअप है, मैंने फिश में मौली, गप्पी, ऑरेंज मौली, अब एक लॉन्ग टेल गप्पी लाना है और बीटा होगी यहीं कहीं। मेरी बीटा तो अक्सर छुप जाती है तो दिखती नहीं, ये देखिए बीटा यहाँ है। तो इंडियन रूफ टर्टल के बारे में जो मुझे बताना था, ये इलीगल है भाई, अपने आप रिस्क पालें। अब मेरे पास गलती से आ गया और ये सब जानते हैं, इन्हें आप अगर छोड़ भी देंगे नेचर में ना तो ये नहीं हो पाएंगी। इन्हें क्यों से बचपन ही से इन्हें ले लिया जाता है, तालाब में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं और ये इंडिया, नेपाल और एशिया के इस साइड में पाए जाते हैं, मतलब ये इंडिया नेपाल वाला जो पोर्शन है इसमें ये पाए जाते हैं। हाँ, और एक बात मुझे ये कहना था कि रेड ईयर स्लाइडर जो है ये अमेरिकन स्पीशीज है। आप रेड ईयर स्लाइडर को अगर आप लेते भी हैं तो उसे आप जिस जगह से लें उस जगह से आप ये पूछ के लें कि अगर हमें इसे वापस करना हो तो हम कर सकें इसे वापस, क्योंकि कि रेड ईयर स्लाइडर अगर आप छोड़ते हैं पौंड में या रिवर में तो हमारी जो ये स्पीशीज है वो खतरा करता है, हो सकता है, क्योंकि वो बहुत डेंजर होते हैं, वो हमला करते हैं। इसने मुझे आज तक नहीं काटा, लेकिन रेड ईयर स्लाइडर लोग कहते हैं काटता है। ये तो मेरा एकदम हैंड समझ लीजिए कि एकदम वो है, ट्रेंड है। देखिए ये, इसको कहीं भी ले जाऊँ हर दम मुझे ही देखता रहता है, मतलब जैसे ये मेरे हाथ से, मतलब मैं घर पे नहीं रहता हूँ तो ये क्या मजाल है कि ये अपनी जगह से हिल जाए। इसे लगता है, लोग कहते हैं कि मर गया, एक बार मैं आया तो लोग कह रहे थे कि मर गया लगता है, हिल नहीं रहा। मैं आया, इसको थोड़ा सा टहलाया लाया, फिर देखा फिट मेरे ना रहने पे भी मतलब ना ये जैसे अजीब सा हो जाता है, मतलब ये इसे मैं छोड़ नहीं सकता। मैं क्या कहूँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। जैसे मेरे लिए इसका अट्रैक्शन अलग से मेरे लिए है, ये मतलब मेरे साथ रहता है तो मुझे इसके तरफ से एक अट्रैक्शन हो गया है। अब आइंदा कोशिश करूँगा, मुझे पता चल गया है अब नहीं लाऊँगा इंडियन रूफ टर्टल और चलता हूँ। अब वैसे अगर एक तरह समझिए, मैं इसको रेस्क्यू किया था, इसकी हालत इतनी ठीक नहीं थी,
क्यों से कि जब लोग जहाँ लोग लेते हैं उतना ही फैसिलिटी नहीं देते, लोग इसे फिश टैंक में रखते हैं, ये पर्पज लोग फिश टैंक के लिए लाते हैं। फिश टैंक में रखने की चीज़ नहीं है ये हमारे। देखिए एक सी टर्टल होता है और एक ऐसा होता है, जो सी टर्टल होता है उसे अगर आप फिश टैंक में रखते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि उसको पानी में रहने की आदत है, लेकिन हाँ एक कंडीशन वो भी आती है कि वो भी बाहर आता है, इनको बाहर आना रहता है। ये अभी तो मतलब आज भी पानी बदला है इसका, मैं हर थर्ड डे से बदलता हूँ पानी, तो आज बदला है तो आज अभी पानी ही में है। वैसे अभी शाम तक ही इस पे आके बैठा था, जब इसको रेस्ट करना होता आके बैठता है, बैठता क्या है समझ लीजिए, इस पे आएगा और इस पे से फिर जंप करेगा वाटर में, जैसे इसको एक मज़ा आती है। घर वाले भी मतलब इसमें वो है, ये मेरी मछली का फूड है ऑप्टियम का, यह इसका फूड है। अगर आप कोई पाते हैं टर्टल रेस्क्यू करते हैं तो आप घरे। वैसे अब मैं एक नेक्स्ट काम भी करने वाला हूँ एनिमल को मतलब बचाने के लिए, मतलब इसकी कंडीशन ख़राब थी जो मैं लाया था, इसको स्किन इन्फेक्शन भी था, मैं अंदाज़ नहीं पाया, तो लोगों ने कहा कि जैसे कि बालों में डैंड्रफ नहीं होता उस तरह, लोगों ने कहा कि इसकी शेल क्यों ऐसी है, तो मैंने सोचा कि मैंने कहा नेचुरली है। फिर मुझे ये बढ़ने लगा नेचुरली तरीके से, मतलब इसकी हालत इतनी ठीक नहीं थी जहाँ जब मैं इसे लाया था। ये जानते हैं कि लोग क्या करते हैं, लोग इसे पालते हैं, जब मन भर गया तो वापस कर देते हैं। एनिमल है, मन भरने की चीज़ नहीं है। इंसान सच बताऊँ तो इंसान कभी किसी का नहीं होता है, इंसान तो अपने फ़ायदे के लिए मरता है और अपने फ़ायदे के लिए जीता है। आप इसके लिए कुछ तो करें, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा ये बात मैंने कहा, बुरा नहीं लगना चाहिए, जानवर जो होता है ज़्यादा वफादार होता है। तो देखिए मैंने एनिमल्स हमेशा सेफ किया, कभी ख़तरा नहीं पहुंचाया, और मैंने बर्ड्स भी एक दो बार बचाई, मतलब बचपन में स्कूल जा रहे थे, दो बार गिरी ठंडा से पाया था तभी घर लाया उसको उठाकर, मैंने बहुत कुछ बचाया। और अब मैं रेडियस स्लाइडर भी लाऊंगा, पर इसके साथ नहीं रखूंगा इसे, रेडियस स्लाइडर अलग रखा जाएगा, ये अलग रखा जाएगा। जब तक मेरा खुद का घर नहीं होता तब तक मैं रेडियस स्लाइडर तो नहीं लाऊंगा, लेकिन जिस दिन खुद का हुआ उस दिन लाऊंगा। और ये बर्ड्स का नेस्ट है, बना के तैयार कर दिया हूँ, थोड़ा सा टेप गड़बड़ हो गया कुछ का, लेकिन कोई बात नहीं, टेप मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि जो बर्ड्स नहा जाती हैं तो गले ना। और ये मेरी फिश है और ये मेरी बर्ड्स हैं, तो इसमें जो जितने सब चिक्स थे उसे मैं सेल कर दूंगा, सेल करना है, देखता हूँ क्या प्राइस मिलता है। और लोग सोचते होंगे कि मैं सेल करके पैसे के लिए काम करता हूँ, पैसे के लिए नहीं काम करता हूँ, आप देख लीजिएगा जो सेल करूँगा, सेल करके कुछ नई बर्ड्स लाऊंगा, बकिया वही चीज़ हम उसमें मतलब उसका खाना और पानी में लगा देंगे, क्योंकि मैं अपनी मैं हर चीज़ के साथ समझौता कर सकता हूँ, पर मैं अपने एनिमल के साथ कभी समझौता नहीं करता, उनको चीज़ हर चीज़ पूरी होनी चाहिए। इस टाइम मैं कैल्शियम नहीं ला पा रहा हूँ तो मैंने कुकम्बर यूज़ करा रहा हूँ, कुकम्बर ये बहुत शौक से खाते हैं, पानी है, इन्हें दवा देता हूँ एमरल, और इन्हें बर्ड्स फेदर भी देता हूँ। अब इनके लिए देखिए हम थोड़ा सा धूप नहीं लगा पा रहे हैं, तो अब इनके लिए यूवी लाइट लाऊंगा, एक यूवी आती है और एक यूवीबी आती है, तो यूवीबी जो होती है मैं वो लगाऊंगा, मैंने पता किया जो मुझे जानकारी है, अगर आपको कुछ पता होगी तो आप कमेंट करिएगा, तो वो लाऊंगा। बर्ड्स ये सब बच्चे जो इसके हैं सब सेल कर दूँ उसके बाद। गाइस देखिए मैं भूल गया, मैं आपको ये चीज़ नहीं बताया कि ये मैंने अपना केज बदल दिया, केज डबल लेते आया, उसमें टू पार्ट्स है और सही भी हुआ मेरे लिए। हाँ और बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो ट्रे तो नीचे लगा रहता है, इस ट्रे में गंदगी हो जाती है, फिर ट्रे धुलना पड़ता है, और वो जो ऐसा जो नॉर्मली हमारा केज होता है जो दुकानों बनता है, तो वो केज उसमें ट्रे वरे होता नहीं, मतलब आप ज़मीन पर ज़मीन गंदी हो ज़मीन धुल दिए, लेकिन ट्रे धुलना लोगों को बहुत भारी पड़ता है। तो ऐसा करिए पहले आप ये जो चौड़ा वाला टेप आता है वो टेप लगा दीजिए, फिर जो बीच में जगह खाली थी उसमें आप अखबार लगा दीजिए, और जब आपको बदलना रहे अखबार और टेप एक साथ बदल दीजिए, उससे आपका साफ रहेगा। ब्रेड भी बहुत शौक से खाते हैं, मैं इन्हें ब्रेड भी खिलाता हूँ, ये इनको मतलब मैं पहले कोई इन पर हर चीज़ अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि किस चीज़ में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट है, ब्रेड भी दिया और रोटी भी दिया, तो रोटी कम खाए ब्रेड ज़्यादा खाएंगे। इन्हें मैं चावल भी देता हूँ, गर्मी आ जाए तो इन्हें चावल भी दूंगा, पूरी ठंडक में इन्हें एक खिलाया, कोई कमी मैं अपने एनिमल के साथ नहीं करता हूँ। उसको तो टर्टास को तो मैं बहुत कुछ खिलाने की कोशिश किया, तो वो सिर्फ
के सिवा कुछ नहीं खाया, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता हूँ, क्या कहूँ, एक तरह का अट्रैक्शन मेरे लिए उसके साथ है। तो मैं इन्हीं सबों के लिए रैक बनवाया, यूवीवी लाइट भी लाना है, सब कुछ इनके लिए मैंने जितना हो सकता मैं अपने हिसाब से करता हूँ। एक तरह से कहूँ तो पढ़ाई पे भी उतना ध्यान नहीं देता जितना इनके लिए करता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। आप कम इस वीडियो पे मैं कम से कम 100 व्यूज़ का टारगेट रखता हूँ, आप 100 तो कर दिया करिए। कभी कभी कुछ मेरी वीडियोस आप लोग इतना उसको मतलब शेयर कर देते हैं और देखते हैं लोग कि 500 और एक पे 1800 व्यूज़ गया, और कुछ पे तो मेरी 5 व्यूज़ तक गए, सिर्फ 5 व्यूज़ के ऊपर ही नहीं गए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। थोड़ा सा मेरा पेपर है, 26 अप्रैल से मेरा पेपर शुरू है, 26 अप्रैल से पेपर शुरू हो जाएगा, तो कम से कम ये जाएगा अप्रैल मई के 10 मई तक जाएगा अप्रैल में। तो उसके बाद 10 मई के बाद आपको सब कुछ वीडियो परमानेंट आएगी। बहुत दिन हो गया था तो मैं नहीं ला पाया, तो मैं सब चिक्स तो सेल कर दूंगा फ्रेंड्स, पर इसमें एक ब्राउन चिक्स है, वो मेरा पहली बार मेरे केज में ब्राउन चिक्स हुआ तो मैं उसे रखूंगा। उसके लिए ब्राउन, अगर वो मेल निकलता है तो ब्राउन फीमेल लाऊंगा, ब्राउन फीमेल निकलती है तो ब्राउन मेल लाऊंगा, बाकी चिक्स में सेल कर दूंगा। तो थैंक यू गाइज, मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।